नेताजी राज्य के हालात पर आपका क्या कहना है? दरअसल आप देख रहे होंगे जो राज्य के मूल निवासी हैं वो अभी कुछ दिनों से सक्रिय हुए हैं। एक तरह से उन्होंने जो बर्फ की चादर 23 साल से उन पर जमी हुई थी उसको उन्होंने उखाड़ फेंकने का काम किया, और अभी अपनी जो उनकी मांगे हैं भू कानून और मूल निवास को लेकर के आंदोलित हैं। ये बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें थोड़ा सा कहना यह है कि इससे बेहतर तो ये है, ये मुद्दे बाद में भी हो जाएंगे, इससे बेहतर ये रहेगा कि हम केंद्र शासित प्रदेश की मांग करें। अगर ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है और लगातार 10 साल तक ये केंद्र शासित रहता तो मैं बता रहा हूँ कि जो इस प्रदेश के अंदर माफियाओं ने, दलालों ने इस प्रदेश को जकड़ लिया, शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, इन तमाम लोगों से छुटकारा मिलेगा। आप देखते हैं लगातार गैंगवार हो रही है प्रदेश के अंदर, तमाम खनन के चक्कर में कहीं किसी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिए जाते हैं, कहीं ट्रॉली चढ़ा दिया, एक तरह से पूरे माफियाओं का तंत्र यहाँ पर स्थापित हो गया। पूरी जो नौकरियाँ हैं वो सारी की सारी दलालों ने हड़प की, बताइए जमीन पूरी माफियाओं के हाथ में चली। इस तरह की ये जो बातें हैं ये अच्छी हैं, लेकिन जब तक केंद्र शासित प्रदेश में होगा मैं समझता हूँ इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। दूसरी बात ये हम जनसंघर्ष मोर्चा का इसमें कहना है कि आज इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि 23 साल से हम लगातार इस प्रदेश को देख रहे हैं, 23 साल के अंदर हमने क्या खोया क्या पाया ये सारा का सारा जनता के सामने, जो काम जब अविभाजित उत्तर प्रदेश में 100-200 रुपये में होते थे वो आज 1-2 लाख में इस प्रदेश के अंदर नहीं हो। जनता बहुत परेशान है और इसका निजात जब भी मिल सकता है कि इन भ्रष्ट अधिकारियों से, और जो भ्रष्ट नेता है, जो दुराचारी है, जो तमाम माफियागिरी कर रहे हैं, रेत बजरी बेच रहे हैं, तमाम तरह से पूरे अवैध कामों पर, तमाम ठेकेदारी के काम में जो लगे हुए हैं नेता, उनसे निजात जब ही मिल सकेगा जब ये प्रदेश केंद्र शासित होगा। नहीं तो इसका कोई औचित्य नहीं, चाहे आप कितने भू कानून बना लीजिए, कितने आप जो है मूल निवास पर बात कीजिए, नौकरी बची कहाँ है? आज हम मूल निवास की बात करें, बताइए नौकरी है क्या? जमीन पूरी की पूरी माफियाओं की गिरफ्त में आ चुकी है। तो इसलिए हमारा ये कहना है जनसंघर्ष मोर्चा का कि ये केंद्र शासित प्रदेश पहले हो, ये मुद्दे तो अपने आप ही सारे के सारे हल हो जाएंगे।